नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। रामचरित विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दूसरे पर वाद विवाद से लेकर बैनर पोस्टर के जरिए लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक के बाद एक बैनर नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई है। पुनः मौर्या की तरफ से लगी होर्डिंग में लिखा गया है, अधम ते अधम अति नारी, अर्थात जो नीच से भी नीच है स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है। धर्मग्रंथों की आड़ में ताड़न का अपमान भारत की नारी नहीं सहेगी। साथ ही समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग पूनम मौर्या की तरफ से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगे पोस्टर में अपने नाम के आगे शूद्र भी लिखा गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि तुलसीदास तेरा ताड़ना बाढ़ भीम का बेटिया नहीं सहेगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवांशु जुड़ेंगे। विवांशु, देखा जाए तो विवादों के बीच और अब एक बार फिर से नया पोस्टर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाया गया है। जी नंदनी, आपको बता दें कि बिहार से निकले रामचरितमानस टिप्पणी के विवाद अब उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखे तो पसर चुका है ये विवाद। और बात करें तो राजधानी लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर आज एक पोस्टर लगाएगा। जिस पोस्टर को आपको बताएं समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग की पूनम मौर्या की तरफ से लगाया गया। इस पोस्टर में साफ तौर से अगर देखा जाए तो तुलसीदास को उसमें तो अपने संदेश दिए गए हैं, जिसमें लिखा है तुलसीदास तेरा तारण बार भीम की बेटियां नहीं सहेंगी। तो इसमें साफ तौर से जो रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास, उनको एक संदेश दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पोस्टर से बीते दिन एक समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के नेता पोस्टर के माध्यम से मैं हूँ सूत्र और अपने नाम के आगे सूत्र शब्द का प्रयोग करके लगाया गया था। अब वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो पोस्टर के माध्यम से अपना इस विवाद में सहभागिता दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो इस पोस्टर में जो अंकित किया गया है बड़े अक्षरों में उसमें लिखा गया है अधम ते नारी अधम अति नारी, अर्थात जो नीच है जो नीच से भी नीच है, इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। साफ है नंदनी कि जो स्वामी प्रसाद मौर्या के द्वारा बीते दिनों जो वक्तव्य दिया गया था, जो उनके शब्द बोले गए थे रामचरितमानस के कुछ श्लोक को लेकर, अब उसमें साफ तौर से समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारी और नेता उनका समर्थन करते हुए आए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदूवादी संगठन इसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। वही आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो पिछड़ा महासभा की तरफ से अगर देखें तो एक रामचरितमानस के उन पन्नों को उन पत्तियों को जलाया गया था। और बात करें तो इसको लेकर तमाम जगहों पर अगर बात करें तो थाना मोहनलालगंज समेत तमाम जगहों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। स्वामी प्रसाद मौर्या समेत 10 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ था। वही अगर बात की विभांशु, देखा जाए जिस तरीके से ग्रंथों को लेकर राजनीति की जा रही है, मंडल बनाम कमंडल खेला जा रहा है, तो कितना रंग ये लाएगा? जी निश्चित तौर से आज अगर बात करें तो विधान परिषद चुनाव की गिनती चल रही है और विधान परिषद चुनाव में इसका क्या मतलब निकला है, क्या जो हवा है वो किस तरफ गई है, वो नतीजों से कुछ ना कुछ साफ होगा। मगर देखिए तो 24 की राजनीति को लेकर अभी से जो राजनीतिक दल है वो तमाम अपने हथकंडों को अपना रही हैं। वही कहा जा रहा है राजनीतिक पंडितों की तरफ से कि समाजवादी पार्टी ओबीसी और एससी को एक करने के लिए इस तरह की नृत्य कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि साल के जहां 2024 में लोकसभा का चुनाव है, साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव होने हैं, देखने वाली बात ये होगी आगामी चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। वही अगर बात करें तो सपा के अंदर में भी 2 टुक इस मामले को लेकर बन चुका है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे लगातार एक बयान दे रहे हैं कि वो उनका स्वामी प्रसाद मौर्या के दिया गया बयान है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। और वही अगर बात करें तो पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव जो अखिलेश यादव के चाचा है, उनकी तरफ से भी मैनपुरी में बोला गया स्वामी प्रसाद मौर्या का ये पर्सनल बयान है, उनका जो ओपिनियन है, जो उनका वक्तव्य है वो उनका खुद का है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा
देखा जाए तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फ्रंट मिलाकर और कहीं ना कहीं उन्होंने दलितों और पिछड़ी जातियों को लेकर 2024 का कार्ड खेल रहे हैं। जी निश्चित तौर पर अगर बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के अंदर में लंबे अरसे तक रहे, वहाँ उन्होंने मंत्री पद संभाला। साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी में भी आने के बाद वो गौरी गणेश का ऊपर पिछली कर चुके हैं। उसके ठीक बाद वो जब सपा में आते हैं तो रामचरितमानस के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए वक्तव्य का क्या लाभ होता है। वही अगर बात की जाए तो देश भर में इसके खिलाफ जो हिंदुवादी संगठन है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब तक बात की जाए तो दो FIR स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम हो चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अगर देखे तो इसको लेकर हमलावर रह रहे हैं। जहां अयोध्या के महंत राजू दास स्वामी प्रसाद मौर्य का सब दंड से जुदा करने वालों को 21 लाख का पुरस्कार रख रहे हैं, तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये धर्म के ठेकेदार क्यों आखिर आकर फ्रंट में बात नहीं कर रहे हैं और वो क्यों अपनी शैतानी वाली बातों को रख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये भी होगी कि हिंदुवादी संगठन साथ ही साथ बीजेपी अपना इस क्या रूप अपनाती है, मगर साधु संतों के अंदर में लगातार जो विरोध दर्शन है वो देखने को मिल रहा है। वही अगर बात की जाए तो अयोध्या के महंत राजू दास ने कहा था रामचरितमानस के अंदर में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो सभी के जूठे बेर खाए थे और वो हमेशा अगर देखे तो जाति पात के ऊपर सोचते थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों पे अडिग हैं, तो इसका क्या सियासी मायना निकलता है और क्या राजनीतिक लाभ होता है वो आने वाले चुनाव में साफ होगा। जी विवांशु, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दलितों को लेकर पिछड़ों को लेकर राजनीति कार्ड खेल रही है, वही विपक्ष की तरफ से राम मंदिर को लेकर पलटवार किया गया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार अगर देखे तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कहीं ना कहीं देखे तो पीछे से सपोर्ट करते हुए कुछ नेता नजर आते हैं, मगर जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से जो बीजेपी है उसकी तरफ से आरोप लगाया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद उन्हें पार्टी के अंदर में महासचिव का दायित्व दिया गया है। इसका अर्थात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है। वही अगर बात की जाए तो इस बयान के बाद से कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में है और आज वो 4:30 बजे पत्रकारों से एक बार फिर रूबरू होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज वो किस अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करते हैं। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज की मेजा तहसील में अपना दरबार भी लगाएंगे। इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में भी पहुंच गए हैं। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मेले में कार्यकर्ताओं और लोगों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पवित्र संगम में डुबकी भी लगाई। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा रही। बता दें कि जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मेले में पहुंचे वहां मौजूद साधु संतों ने वैदिक मंत्र उच्चारण से उनका स्वागत किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे। पवन, देखा जाए बागेश्वर धाम के बाबा आज प्रयागराज में पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम किस तरीके से रखा गया था? जी बिल्कुल नंदनी, संगम नगरी प्रयागराज में आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जब यहाँ संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचे हैं तो वहां पर वैदिक मंचोत्तार के साथ उन्होंने वहां पे गंगा यमुना अदृश्य संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान जो वहां पे श्रद्धालु हैं, जो वहां पे संगम में आने वाले लोग हैं, वहां पे अच्छी खासी भीड़ थी और वहां पे संगम स्नान करने के बाद वो संगम क्षेत्र में ही सतुआ बाबा के शिविर में गए, जहां पर उन्होंने साधु संतों के साथ मुलाकात की। उसके बाद उनका काफिला प्रयागराज के मेजा यमुना नगर में पहुंचा, जहां पर उनका जो दरबार है वो लगना था। हालांकि जो उनका कार्यक्रम था वो 12 से 3 बजे का था, 12:00 कुछ मिनट पे उनको यहाँ पे पहुंचना था, लेकिन संगम में उनके कार्यक्रम में देरी होने के कारण यहाँ पे
जो है करीब 3 बजे के आसपास पहुंचे, लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से श्रद्धालु है, जिस तरीके से लोग हैं, जिस तरीके से इनको सुनने के लिए आए हैं, अब तस्वीरों की बात की जाए तो जिस तरीके से लोग हैं वो लगातार कोई बाउंड्री वाल पे खड़ा हुआ है, लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर सुनने के लिए उमड़े हैं, और जिस तरीके से इनका जो कार्यक्रम है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में पहुंचा है, ऐसे में लगातार जो यहाँ पे लोग हैं वो अभी भी इनको आना आते जाते हुए देखा जा सकता है। अगर बात की जाए प्रयागराज की, तो प्रयागराज पहुंचे धीरेन्द्र की शास्त्री ने सबसे पहले गंगा यमुना अदृश्य संगम में आस्था की डुबकी लगाई, वहां पर उन्होंने माँ गंगा से पूरे देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। तो लगातार जो उनका कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं जो है एक धर्म के संदेश को देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे लोगों की भीड़ है वो अच्छी खासी है, लाखों लोग जो है वो यहाँ पर धीरेन्द्र की शास्त्री जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। जी नंदिनी, पवन देखा जाए उनके दरबार लगाने को लेकर सवाल उठाए गए, इसके बाद फिर सनातन धर्म का विवाद छिड़ा, इसके बाद कहीं ना कहीं अब प्रयागराज में वो अपना दरबार लगाए, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिला? जी बिल्कुल, जो माहौल है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर समाज में आए हैं, जिस तरीके से उनकी बातें, चाहे वो धर्मांतरण की बात की जाए, चाहे विश्व हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाए, अगर यहाँ की भीड़ की बात की जाए तो जो लाखों लोग हैं यहाँ पर वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री की जो बातें हैं वो लोगों पर कहीं ना कहीं असर कर रही है और लोग जो है उसका अनुपालन कर रहे हैं। जो लोगों की भीड़ है बहुत साफ तौर पर देखी जा सकती है कि गाँव के अंदर जहाँ लाखों लोग, जहाँ तिल रखने तक की जगह नहीं है। तस्वीरों की बात की जाए तो जो युवा वर्ग है वो अपनी जान को जोखिम में डालकर पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जी को सुनना चाहता है। पवन देखा जाए तो इतनी वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी थी, तो सुरक्षा व्यवस्था को क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? चूंकि अगर संगम लॉज की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था व्यापक इंतजाम किए गए थे, लेकिन जहां पर इनका दरबार लगा है अगर यहां बात की जाए तो मीडिया कर्मी तक जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए मंच तक। हालांकि जिस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो लगातार उमड़ी है, हमने कई लोगों से बातचीत की तो वहां पता चला कि कोई अन्य प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं, तो साफ तौर पर यह दिखा रहा था कि पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जी को कितने लोग सुनना चाहते हैं। लाखों लोगों की भीड़ अभी भी वहां मौजूद है, जिस तरीके से उनका कार्यक्रम है लगातार जो युवा वर्ग है उनकी संख्या वो साफ तौर पर दर्शा रही है कि पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री को किस तरीके से सुनना चाहते हैं। जी नंदिनी, पंडित धीरेन्द्र जी शास्त्री का कितने दिन का कार्यक्रम रखा गया है प्रयागराज में? चूंकि इनका जो कार्यक्रम था ये बीते कल से ही था, लेकिन इनके कार्यक्रम को सार्वजनिक नहीं किया गया था। आज सुबह ये प्रयागराज के संगम तक पहुंचे, जहां पर उन्हें गंगा यमुना अदृश्य संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इनका कार्यक्रम 12 बजे से मेजा थाना क्षेत्र में था, जहां पर ये कुंवर पट्टी गांव में इनको दरबार लगाना था। हालांकि इनका जो कार्यक्रम था वो निश्चित रूप से थोड़ा सा आगे बढ़ा है, तो यहां पर वो करीब 3 बजे के आसपास पहुंचे और अभी भी पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री जी का जो दरबार है वो चल रहा है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक 10 नब्बे चौराहे पर और मरीन ड्राइव पर मस्ती की पाठशाला लगेगी, जहां खेलकूद के साथ ही योगा, जुम्बा, एरोबिक, डांस, साइकिलिंग और नुक्कड़ नाटक सरीखे ढेरों आयोजन होंगे। शहरवासियों को यहां एक ही जगह पर इन अलग अलग रोचक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट व G20 शिखर सम्मेलन के प्रमोशन को लेकर इस राहगीरी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़ेंगे। गौरव, मस्ती की पाठशाला 10 नब्बे चौराहे पर लगाई जाएगी, क्या कुछ कार्यक्रम किस तरीके से रखा गया है? बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर जो कार्यक्रम रखे हैं उसका कारण सिर्फ ये है कि एक कार्यक्रम के माध्यम से, मनोरंजन खेल के माध्यम से और कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से लोगों को जो चीज होने वाली है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली रूपरेखा के बारे में, तो साथ साथ जो G20 सम्मेलन की जो कार्यक्रम होने प्रदेश में लगभग 11 कार्यक्रम, आगरा की बात करें, लखनऊ की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, वाराणसी की बात करें, लगभग 11 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होने हैं। उन कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए क्या G20 सम्मेलन है, कैसे उसको हमारे देश को मिला मिली है और किस तरह से यहाँ पर एक नया अध्ययन बनाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम देखते चले आ रहे हैं कि पुराना अध्ययन हमारा बताता है कि जब भी कोई कार्यक्रम है किसी बारे में, किसी विषय के बारे में मनोरंजन से खेल के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से बताते हैं, तो लोग उस पर रुचि लेते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं और समझते हैं कि आखिर है क्या है। तो कहने का यहाँ पर 4 से 8 फरवरी को LDA मस्ती की पाठशाला लगाने जा रही है, मरीन ड्राइव पर, इस चौराहे पर यहाँ पर होगी। जो मस्ती की पाठशाला में तमाम तरह के मनोरंजन कार्यक्रम होंगे, खेल होंगे, लोग जुड़ेंगे, यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं रखी गई है, लोग जुड़ेंगे, आयोजन को समझेंगे, कहीं ना कहीं माध्यम से G20 सम्मेलन को जैस को समझ पाएंगे। जी, G20 सम्मेलन को लेकर कुछ ही दिन रह गया, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं?
एक समय रह गया है, यहाँ पर हम बात करें फरवरी से ठीक है अगस्त तक यहाँ पर सम्मेलन के कार्यक्रम चलेंगे, पूरे देश में कार्यक्रम चलने, इसके अलावा अगर प्रदेश की बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें लगभग 11 कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, तो 6 कार्यक्रम यहाँ पर वाराणसी में होने वाले, इसके अलावा एक कार्यक्रम लखनऊ में होने वाला है, 3 कार्यक्रम आगरा में होंगे, 2 कार्यक्रम नोएडा में, कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम होने उनके माध्यम से यहाँ पर एक अलग संदेश देने की बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, एक ऐतिहासिक यहाँ पर क्षण है, एक ऐतिहासिक लाभ मिलने वाला है, क्योंकि हम G20 की अध्यक्षता मिलना कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और हमारे देश के नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक अनुभूति आपको प्रदान करता है, कहीं ना कहीं इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों भी जो अनुभूति का एहसास कराना, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा बताना, ये कार्यक्रम है क्या, G20 है क्या, GIS है क्या, किस तरह यहाँ पर GIS और G20 के माध्यम से उत्तर प्रदेश का जो एक दिशा निर्देश है, जो एक व्यवस्थित व्यवस्था है, या जिनका उत्तर प्रदेश का जो नाम है पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं उसको और बेहतर करने का प्रयास किया जाए। राहगीरी कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ और रूपरेखा तैयार की गई है? ठीक है, कार्यक्रमों की बात करें तो फिलहाल अभी एनडीए द्वारा यहाँ पर जो एक मस्ती पाठशाला 4 से 8 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, मरीन ड्राइव पर आयोजित की जाएगी, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जुड़ने के साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ पर लोग जुड़ेंगे और कोई एंट्री पास नहीं रखा गया, आपको माना सकता है शायद वाराणसी में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित होंगे, वाराणसी में कार्यक्रम होना है, नोएडा में कार्यक्रम होना है, आगरा में कार्यक्रम होना है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर भविष्य में और भी कार्यक्रम देखने को मिलेगी, कार्यक्रमों का दौर फरवरी शुरू होगा, अगस्त तक चलता रहेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार कप्पन सिद्दीकी को कप्पन की आज जेल में रिहाई मिल गई है। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच से बीते 23 दिसंबर को सिद्दीकी की कप्पन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली थी, उन्हें 2 साल 3 महीना 26 दिन जेल में बिताने के बाद आज रिहाई मिली है। बता दें कि 5 अक्टूबर 2020 को मथुरा टोल प्लाजा से सिद्दीकी कप्पन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस ने कहा था कि सिद्दीकी कप्पन का PFI से कनेक्शन है और 4 आरोपी हाथरस में हिंसा फैलाने की प्लानिंग में जा रहे थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ओएस जुड़ेंगे। ओएस, देखा जाए तो 2 साल बाद आज कप्पन को रिहाई मिल गई है, क्या कुछ और अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? नंदिनी, आपको बताना चाहूं कप्पन सिद्दीकी है और इसके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो है ये आरोप लगा था और इसको उसने जेल भेजा गया था और इनको टोल प्लाजा के पास से इनको अरेस्ट किया गया था, उसमें इनको जेल भेजा गया था, जिसमें इनकी काफी समय के बाद नंदिनी आज रिहाई हो गई है। जी, बताया जा रहा है हाथरस कांड में जनता को भड़काने का PFI से कनेक्शन था इनका, किन आधार पर इनको आज जमानत मिली है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि इनका जो है PFI से कनेक्शन ईडी कोर्ट में इनको जो है रिहाई मिली है और इनका जो है ईडी की तरफ से इनको गिरफ्तारी की गई थी, इसमें PFI का जो मनी लॉन्ड्रिंग में PFI के जो वो था उसमें इनको जो है गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर ये काफी समय से जेल में थे और जेल में ये अपना समय बिताने के बाद इनकी जमानत अर्जी लगाई गई थी, जमानत अर्जी लगाने के बाद आज इनको जो है यहाँ से रिहाई मिली है और PFI कनेक्शन में इनका जो है पुलिस को और जो ईडी थी इनको इसकी संलिप्तता मिली थी। जी ठीक, रिहाई के बाद कप्पन का क्या कुछ कहना था इस पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो है रिहाई के बाद कप्पन का जो साफ तौर पे ये कहना था कि उन्होंने ये कहा कि हमारा जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उन्हीं ने इनकार किया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट उसका नजर आया है, तभी इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजा था, जिसको लेकर ये काफी समय से जेल में थे और जिसके बाद आज इनकी रिहाई हुई है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओएस। चार बजे की चार बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।